गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आप अपनी मम्मी का कहना मान रहे हैं? क्या आप घर पे मम्मी को परेशान करते हैं? नहीं, बहुत अच्छे। अब जैसा कि हम सब घर पर ही रहते हैं, तो घर पे हमें क्या करना चाहिए? हमें मम्मी का घर पे काम में हाथ बटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मम्मी का घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को भी अगर पानी चाहिए तो रसोई में जाकर पानी ला सकते हैं। मम्मा अगर खाना बना रही है तो अपना खाना स्वयं जाकर लाएं। इसमें ही हम सीखते हैं कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो आज आपका ये भी एक कार्य रहेगा कि आप मम्मी की मदद करते हुए, कार्य करते हुए मुझे एक फोटो सेंड करेंगे मेरे नंबर पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल हमने ट वर्क किया था, जिसमें हमने पढ़ा था ट ट ट टमाटर ट टमाटर। आहा, टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन उसको बिल्ली ने खाया, हाथी को भी मार गिराया। आहा, टमाटर बड़ा मजेदार। टमाटर क्या होती है? एक सब्जी। और हमें सब्जी हर रोज खानी चाहिए, जिससे हम चींटी जितने ताकतवर हो जाएं, जिसने हाथी को भी मार गिराया। ट के बाद आता है ठ, ठठेरा, ठठेरा। बोलो मेरे साथ, ठठेरा, ठठेरा। उसके बाद क्या आता है? ड, डमरू, ट, ड, डमरू। डमरू कैसे बजता है? ऐसे हम उसको हाथ में लेकर बजाते हैं तो वो कैसे आवाज करता है? डम 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 बाजे डमरू, डम 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 बाजे डमरू। छम 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 नाचे गमरू, छम 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 नाचे गमरू। गमरू कौन है? भालू। गमरू कौन है? भालू। भालू वाला भालू लाया, जिसका नाम है गमरू। उसने फिर डमरू बजाया और गमरू ने नाच दिखाया। ड डमरू, ड डमरू। ड डमरू के बाद क्या आता है? ढ ढक्कन। क्या आता है? ढ ढक्कन। ढक्कन किस चीज का होता है? बॉटल का ढक्कन, सब्जी के कटोरे का ढक्कन, कैसेरोल का ढक्कन। तो कोई भी चीज हम किसी बॉक्स में से लेते हैं तो उसका फिर हमें ढक्कन साथ साथ बंद करना होता है, ताकि वो सामान खराब ना हो जाए। ढ ढक्कन और लास्ट अणे खाली, अणे खाली। बजाओ ताली, बजाओ ताली। तो बच्चों, आज हम करेंगे रिवीजन। आज हम दोहराई करेंगे क वर्ग की। किसकी? क वर्ग की, जिसमें मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क वर्ग से कितनी सारी तस्वीरें हैं। क से जैसे सिर्फ कबूतर नहीं होता, और भी बहुत सारी तस्वीरें होती है। आइए देखिए। सबसे पहले हमारे पास है क, कबूतर। क्या है ये? क, कबूतर। फिर आता है क, कछुआ। क, कछुआ। क, कमल। क, कमल। क, कोयल। क, कोयल। क, कौआ। क, कौआ। क, केला। क, केला। अब आता है ख, ख खिलौना। ख खीर। ख खीर। ख खिड़की। ख खिड़की। ख खटमल। ख खटमल। ख खरल। ख खरल। ख खरगोश। ख खरगोश। अब आता है ग, ग गमला। ग गमला।
गदा, ग गदा, ग गर्दन, ग गर्दन, ग गाय, ग गाय, ग गाजर, ग गाजर, और ग गुब्बारा, ग गुब्बारा। अब आता है घ, घ घास, घ घास, घ घिया, घ घिया, घ घोंसला, घ घोंसला, घ घर, घ घर, और घ घड़ा, घ घड़ा, और अंत में आता है घ घड़ी, घ घड़ी। जो इस तरह हमने सीखे इतने सारे चित्र एक ही वर्ण से, क से कितने सारे, ख से भी बहुत सारे, ग से भी बहुत सारे, और घ से भी बहुत सारे, और अण खाली, ना खाली। तो इसी तरह अब आपको मैं कुछ चित्र दूंगी और उनके आगे आपको पहचान कर लिखना है कि कौन सा व्यंजन आएगा। बाय बाय।